आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बलिया में एक बहन की आंखों का इलाज कराने के लिए भाई ने अपने हुनर का ऐसा जलवा बिखेरा कि आज भारत समेत पूरी दुनिया सलाम कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पर अपने कला का लोहा मनवाने वाला भाई अभी भी लाचार और बेबस है, क्योंकि न तो वो अपनी बहन की आंखों का इलाज करा सकता है और न ही कोई अभी तक मदद मिला है। मामला बलिया के जमुआ गाँव का है। बांसडी के रहने वाले मनीष ने अपनी बहन की शादी बलिया के जमुआ गाँव में किया है। मनीष ने बताया कि बहन की एक आंख में पहले से समस्या थी, शादी के बाद दूसरी आंख की समस्या बढ़ गई। बताया आंख के इलाज के लिए तमाम बड़े अस्पतालों में गए, उपचार तो हुआ लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। शादी के बाद भी ससुराल वालों ने इलाज का बीड़ा उठाया, हर संभव प्रयास किया लेकिन इलाज नहीं हो पाया। मनीष ने बताया कि स्थिति ये है कि अब दोनों आंखों से बड़ी बहन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मायके और ससुराल दोनों ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और हम इलाज करा कर थक गए हैं। मनीष ने बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूं और हार्ट का सर्जरी कराया, इसके अलावा शारीरिक रूप से कई बीमारियों का भी मैं शिकार हूं, लेकिन अपनी बड़ी बहन के इस हालत को देख नहीं सकता। जब इलाज के लिए कोई मदद कहीं से नहीं मिला, सारे रास्ते बंद दिखे, तो मैंने पीएम मोदी की तस्वीर बनाने का फैसला लिया और 42 फीट की तस्वीर को पेंसिल स्केच से बनाया ताकि मोदी जी तक मेरी गुहार पहुंचे। बताया इस तस्वीर ने मुझे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिवॉर्ड से नवाजा। इस तस्वीर को बनाने में 2 महीने का समय लगा। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता है। मनीष जी, आपने किस तरह की उपलब्धि हासिल किया? जी, मैंने फिलहाल श्री नरेंद्र मोदी जी का स्केच बनाया हूँ जो 42 फीट का है। फिलहाल ये इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया हूँ। मेरा मेडल और सर्टिफिकेट दोनों आया है फिलहाल। ये किस तरह का स्केच था और इसका उद्देश्य क्या था? जी, मैं इसलिए ये बनाया था कि मेरी दीदी को बस आय से रिलेटेड मदद मिल जाए, क्योंकि इससे पहले दीदी का एक आंख खराब हो चुका था, दूसरा आंख में इन्फेक्शन के कारण वो भी धीरे धीरे उसका रोशनी खत्म हो गया था, तो अभी टोटली दीदी को दिखता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब दीदी को बस मदद मिल जाए। ये कब से इनके आंखों में समस्या है? जी, फिलहाल 2 से 2.5 साल से चल रहा है। ये कब से प्रॉब्लम रही है? ये 15 साल से हम लोग का चेकअप चल रहा है दीदी का। तो आपने कहीं इलाज कराया दिखाया? जी, मैंने चेन्नई फिर कोलकाता चल रहा है, लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ और खराब होते गया है। और कोई सहायता? सहायता तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको स्केचिंग बनानी पड़ी? क्या उसके पीछे मतलब किस तरह का क्या क्यों कारण क्या था, क्या चाहते थे आप? हम लोग घर में मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। मेरा खुद का 3 ऑपरेशन हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी, गोल ब्लैडर और पॉलिप का। तो हम लोग घर में फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब है। तो मैं चाहता हूँ बस दीदी को हेल्प मिल जाए और दीदी ठीक हो जाए, बस और कुछ चाहिए नहीं। यानी कि अपने दीदी के आंख के इलाज के लिए आपने पीएम मोदी का स्केचिंग बनाया? कितना लंबा ये स्केचिंग है, क्या है इसमें? जी, लेंथ इसका 42 फीट है और विड्थ इसका 11 फीट है। इससे पहले मैंने कपिल शर्मा शो में भी गया था, इनवाइटेड था, वहाँ पे भी बात किया लेकिन उतना हेल्प मिला नहीं, कुछ कारण से बिजी थे इसलिए शायद। और बाकी ये सोचा कि ऐसे तो हेल्प मिलेगा नहीं, कुछ बड़ा करे, इसलिए मैंने मोदी जी का स्केच बनाया। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आपने आर्थिक रूप से आप ऐसा मदद चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा जिससे आपके सिस्टर का जो है ट्रीटमेंट हो सके आंखों का? जी सर, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बस मैं चाहता हूँ मेरी दीदी ठीक हो जाए। बहुत ज्यादा मतलब अभी दीदी कष्ट में है। ऐसे आप क्या करते हैं? जी, मैं तो स्टूडेंट हूँ, एमकॉम कर रहा हूँ लखनऊ से, और बाकी मैं स्केच आर्टिस्ट हूँ। कितना दिन लगा आपको पीएम मोदी का ये तस्वीर बनाने में? जी, 2 महीने लग चुका है मुझे। 2 महीने लगे? रात भर दिन भर मेहनत का हूँ, बस यही कि मुझे कहीं से बस मदद मिल जाए दीदी को ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं, बस मदद मिल जाए। तो आपको लगता है कि आप जो उपलब्धि आप प्राप्त किए हैं, वो भी भारत के प्रधानमंत्री की आपने तस्वीर बनाई है, उसमें आपको जो है एक बड़ी उपलब्धि मिली है, तो लगता है कि क्या पीएम मोदी आपकी मदद करेंगे? जी, गुजारिश तो यही है कि सर, पीएम मोदी से मुझे हेल्प मिल जाए बस दीदी के लिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही उम्मीद है कि बस हेल्प मिल जाए। सिर्फ मदद चाहिए आपको? बस मदद चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना गुप्ता। सपना जी, सपना जी, जैसा कि आपके भाई ने आपके आंखों के ट्रीटमेंट के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन उनका ये उपलब्धि उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये था कि उनकी मदद हो और आपकी आंखों का जो है इलाज कराया जा सके। क्या कहना चाहेंगे अपने इस भाई के लिए? सर, ये
दिन रात मेहनत करते बस मेरे लिए कि ठीक हो जाए। इसके लिए हम बता नहीं सकते कि हम इसको शब्दों में कैसे इसको बताएं। कब से आपकी आंखों में प्रॉब्लम है? सर 2 साल से। 2 साल से दोनों आंख से दिखाई नहीं देता आपके? नहीं। तो काफी दिनचर्या आपकी कठिन होगी? जी सर। परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी हो रही है। छोटा बच्चा भी है मेरा और ये इतना इसका हार्ट का दिक्कत है। ये कैसे ये बनाया है हम इसके लिए हम लफ्जों से बयान नहीं कर सकते हैं सर। ये सीधा खड़ा भी नहीं, वो बैठ के खड़ा होके कैसे, हार्ट पेशेंट है उसका, पूरा सीना चिरा गया सर ऑपरेशन से। वो इतना बड़ा हम तो सोच भी नहीं सकते। मतलब हमको लगता है कि अभी भी सपना ही देख रहे हैं। मतलब ऐसे इतना कुछ कर लिया सर ये बस मेरे लिए। आपकी शादी हो गई है? जी सर। बच्चे हैं? हाँ एक बच्चे। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का दुकान है सर। दुकान करते हैं। ट्रीटमेंट करवाते हैं आपके हस्बैंड कहीं? इलाज वगैरह करा जाते हैं, कलकत्ता ही दिखाते हैं। हमारा वहीं इलाज चल रहा है, वो कलकत्ता में ही दिखाते मतलब हैं। प्रयास कर रहा है? वो भी प्रयास कर रहे हैं किसी भी ठीक हो जाए सर। मेरा एक बच्चा है और आप समझ सकते हैं ना, ससुराल में लड़की को ऐसा हालत में रहना कितना बड़ा बात है। और मगर मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, फैमिली आपकी सपोर्ट करती है। हम चाहते हैं कि हम ठीक हो जाए और हम खुद से सब कर रहे हैं, अपने बच्चे को फिर से हम देखना चाहते हैं सर। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमको बस कहीं से भी सपोर्ट करें और हम ठीक हो जाएं पहले जैसे।